बात हम शुरू कर रहे हैं अपनी, एक कल हमने जो बात की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक और बात समझनी है हमें जरिए, क्योंकि मैं आपको फिजियोलॉजी को बताऊंगा, डॉक्टर मनचंदा तो एक दिन आएंगे और बता के चले जाएंगे, हम आपके साथ रोज रहेंगे, प्रतिदिन रहेंगे, और उसमें हम एक एक चीजों को डिटेल बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्रम हमारा लंबा चलेगा। मैं चाहता हूं कि आपको फिजियोलॉजी की पूरी जानकारी हो सके, उसके बारे में अच्छी तरह से समझ सके, जिससे आपको जब कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्याओं से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं, वो तरीका आप सीख सके। तो पर्पस हमारा यही है कि हम आपको आज दूसरी क्लास हमारी है, इस दूसरी क्लास में हम आपको आपके अंगों से परिचय करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कमर दर्द क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, गर्दन में दर्द सर्वाइकल स्पोंडलाइटिस क्या होता है, जो खासतौर पे ये कहते हैं अर्थराइटिस हमारे भीतर हो गया, घुटने में दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, वो ज्वाइंट्स प्रॉब्लम वो क्या होते हैं, मैं इसी से संबंधित आज बात करूँ। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको शरीर के एक एक अंग का परिचय देना चाहेंगे, आज सिर्फ परिचय मात्र करवाएंगे, उसकी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे, वो अंग कहाँ और किस जगह पे है वो समझाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि जब प्रयोग हो रहा हो, जैसे आज प्रयोग हो रहा था, और शरीर के जब इंटरनल ऑर्गन्स की बात आती है कि लीवर कहाँ है, पैनक्रियाज कहाँ है, किडनी कहाँ है, तो हमें क्योंकि ज्यादा पता नहीं होने के कारण हम उस स्थान पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। इसलिए खास तौर पे आप उन स्थानों पर कैसे अच्छी तरह से फोकस हो सके, अगर उसकी तस्वीर देख लें, शरीर में उसके स्थान को समझ लें, तो फिर वो आपको आसान हो जाएगा। कल कई लोग मंत्र जाप की कक्षा में भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, आज भी जुड़ सकते हैं जो जुड़ना चाहें, 12 से 1 होता है, तो मंत्र जाप में भी वहां पर शरीर के अंगों की बात की जाती है, उसी के ऊपर आपको रंगों का ध्यान करना होता है, और साथ साथ उसी के हिसाब से मंत्रों का प्रयोग होता है, तो वहां भी अंग बड़े महत्वपूर्ण। यानी ध्यान क्षेत्र में जाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के तुलना एक डॉक्टर अगर ध्यान करे तो उसका ध्यान बढ़िया होगा, क्योंकि उसे उन अंगों का पूरा पता होता है। हम आपसे वो परिचय देना चाहेंगे ताकि आप उन अंगों को अच्छी तरह स्मृति में रख ले। दो ही चीजें करनी है, मैंने कल भी कहा था, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस होना होगा, जिससे शरीर के अंदर एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस हो सकेगी, एनर्जी जनरेट हो सकेगा, लेकिन उस एनर्जी को सही स्थान तक पहुंचाने की भी व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए, और उसकी व्यवस्था यह है कि जब किसी भी अंग विशेष पर हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो वह अंग विशेष पर हमारे शरीर की समस्त वाइटल एनर्जी फ्लो करने लगती है, और जब उस अंग पर शरीर की समस्त वाइटल एनर्जी फ्लो करेगी, तो वह अंग एनर्जेटिक होने लगेगा, उसकी कोशिकाएं एक्टिव होने लगेंगी, और वो धीरे धीरे संतुलन में आने लगती है, बैलेंस में आने लगती है, और वो अपने आप से स्वतः रूप से स्वस्थ होने लगती है। इसलिए अंगों की जानकारी होना आवश्यक है। अभी हम जो आपको परिचय देने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अगर शरीर को देखें तो शरीर जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कि शरीर का निर्माण बेस स्टार्ट कहां से हुआ, यूनिट ऑफ द बॉडी, इसे हम कहते हैं सेल, कोशिका। जैसे हमारे भीतर अगर एक मकान में हम रहते हैं, एक घर हमारे पास है, घर में भी अगर घर की शुरुआत पूछा जाए कि शुरुआत कहां से हुई, तो उसको कहते हैं कि इसकी नींव से शुरुआत हुई। नींव यानी जो पहली ईंट लगी, एक ईंट से दूसरी ईंट, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से हजारों लाखों ईंट मिले और पूरा भवन का निर्माण हो गया। वैसे ही शरीर के स्तर पर अगर आप देखें तो इस शरीर के स्तर पर भी वही क्रियाएं, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, ये मल्टीप्लिकेशन होता गया और लगभग 600 खरब सेल मिलकर हमारे इस पूरे शरीर के निर्माण में सहयोग किए। लेकिन इसमें कहते हैं कि जब कई सेल एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल जब एक साथ मिलते हैं, तो जब ग्रुप जो एक प्रकृति के होते हैं, अलग अलग प्रकृति के नहीं, एक प्रकृति के सेल एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं वो टिश्यू हो जाता है, ऊतक कहते हैं, एक टिश्यू का निर्माण होता है। और जब कई टिश्यूज मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो एक ऑर्गेन का निर्माण होता है, एक अंग का निर्माण होता है। वो अंग हमारा फेफड़ा हो सकता है, वो अंग हमारे हृदय हो सकते हैं, वो हमारे किडनी हो सकती है, लीवर हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकता है, कोई भी, एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन ऑर्गेन, एक अंग का निर्माण करता है। और जब कई अंग मिलते हैं,
जो एक ही के लिए काम करते हैं उससे हमारा सिस्टम बनता है, पद्धति बनती है। इसका मतलब कई ऑर्गेन्स मिलकर सिस्टम बनाता है, जैसे हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं बस इतना ही हमें पता है, लेकिन इसके अंदर कई अंग काम कर रहे हैं श्वास लेने और छोड़ने की क्रियाओं। अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि साइनस क्या होता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, और अगर सही ब्रेथ नहीं करते तो ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो कैसे हार्ट अटैक हो जाता है। एक ब्रीदिंग प्रोसेस है जो साइंटिफिकली हम आपको प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको बिल्कुल स्पष्टता में दे सके। तो अभी जो हमें समझना यह है कि जब कई ऑर्गेन्स मिले तो एक सिस्टम का निर्माण हुआ। हम भोजन कर लेते हैं लेकिन उसमें कई अंग काम कर रहे हैं उस भोजन को पचाने में, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। श्वास ले रहे हैं उस प्रक्रिया के अंदर जो अंग काम कर रहे हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ब्रेन जो हमारा चल रहा है और वर्क कर रहा है इसमें कई ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। हमारे भीतर एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह से कई सिस्टम्स हैं। तो यानी ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक्स ए सिस्टम। और जब कई सिस्टम मिलता है जो पूरे एक के लिए सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, काम करता है, तो ग्रुप ऑफ सिस्टम्स मेक्स ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का निर्माण जब सारे सिस्टम्स मिल संतुलन के साथ वही सी से मानव शरीर की रचना हुई है। इसका मतलब मानव शरीर की रचना अगर आप देखें तो मानव शरीर की रचना सिस्टम से हुई है। सिस्टम ऑर्गेन से बना है, ऑर्गेन नीचे अगर आ जाए टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बना है, यानी मानव शरीर सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना है। और अगर शरीर के सारी कोशिकाएं स्वस्थ रहे तो कोई कारण नहीं बनता कि हम अस्वस्थ। और जिन अंगों में अस्वस्थता आई है वहां पर एनर्जी की कमी हो गई है, इसलिए वहां पर हम कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर्टिकुलर पर हम फोकस करने लग जाए तो वहां हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और आप देखेंगे स्वस्थता आपको उपलब्ध होने लगेगी। अब हम आपको अंगों के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो सबसे हम इसको आपको एक पिक्चर से आपको सामने दिखाने का प्रयास करते हैं कि सबसे बड़े पहले अगर इस शरीर को देखें, अगर इस शरीर को हम देखते हैं और इस शरीर के सामने अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारी पसलियां, मसल्स ऊपर है, उसके नीचे पसलियां है, रिब्स। क्या पता है कितने रिब्स होते हैं? अगर रिब्स की संख्या देखी जाए एक साइड से 12 रिब्स होते हैं, दूसरी साइड से 12 रिब्स होते हैं, और पीछे जाकर रीढ़ की हड्डी की जो स्पाइन जिसे कहते हैं वो 12 वर्टिब्रा से जाकर जुड़ जाते हैं। एक इधर से जुड़ता है, दूसरा उस तरफ से घूमकर, और ये पूरा रिब केज बना देता है। ये रिब केज नेचर ने इसलिए बनाई कि जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो इस रिब केज में सुरक्षित रखा गया, वरना अगर ये हृदय फेफड़े अगर यहां ना होकर कहीं नीचे होता और अगर कहीं किसी कारण बस एक चाकू लग जाती या कुछ लग जाता और वो अगर कट जाए फट जाए तो व्यक्ति का जीवन पूर्ण संकट में आ जाएगा, मुश्किलें पैदा हो जाए। इसलिए नेचर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उसको इस रिब्स केज में रखा। अगर इस रिब्स केज को देखें तो मैंने कहा 12 पसलियां हैं जो मैं अभी तस्वीर में दिखाने वाला हूं ये, लेकिन इसको एक हड्डी जोड़ रहा है। सामने से जो देख रहे हैं ये एक हड्डी जोड़ता है जिसको कहते हैं स्टर्नम। जिन लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी होती है उनका ये स्टर्नम को ही काट देते हैं और काट कर इसे खोल देते हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी की तस्वीर कई बार जिसमें सीना खोल कर दिखाते हैं, जिसमें श्री राम और सीता को देखते हैं। यानी कहने का मतलब अध्यात्म आपके भीतर अगर है तो उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्पिरिचुअलिटी हमारे भीतर नहीं है तो इसको खोलने की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको बाईपास के लिए, स्टंट के लिए जाना ही पड़ता है। तो इसलिए ध्यान देना है हमें, ये पसलियां हो गई, इन पसलियों के बीच का स्टर्नम कहते हैं, इसे अगर हम खोल दें तो ठीक इसके नीचे हमें फेफड़े मिलेंगे, लंग्स। दो फेफड़े, ये राइट साइड का फेफड़ा और ये लेफ्ट साइड का फेफड़ा, दो फेफड़े हैं। लेफ्ट साइड का फेफड़ा राइट साइड के फेफड़े की तुलना में थोड़ा लंबा होता है। अभी मैं तस्वीर दिखाने वाला हूँ एक एक करके, लेकिन एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर ले पहले। तो ये फेफड़े बड़ा होता है, लंबा होता है, और राइट साइड वाला फेफड़ा चौड़ाई में ज्यादा होता है, लेकिन कैपेसिटी वाइज दोनों बराबर होते हैं, दोनों की कैपेसिटी समान होती है। ये अगर हम लेफ्ट वाले फेफड़े को थोड़ा सा खिसका दें, हटा दें, ऊपर उठा दें और उसके नीचे अगर देखें, ये जो गड्ढे वाला भाग आप हमें देख रहे हैं, ये देखिए मेरे को थोड़ा सा, ये वाला भाग जो यहाँ बीच में गड्ढा आप देख रहे हो,
ये गड्ढे वाले भाग पर अगर हम अपनी मुट्ठी को रखें, ये मुट्ठी होती है, अगर इसे हम इस गड्ढे वाले भाग पर रखें तो ये समझ लीजिए कि ये पसलियों के नीचे फेफड़े और फेफड़े के ठीक नीचे हृदय है, ये वाला भाग हमारा हृदय का है और उसका साइज भी इस मुट्ठी के बराबर होती है, लगभग 300 से 350 ग्राम वजन का हृदय होता है। आगे हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले वक्त। तो ये हमारा हृदय का भाग है। यहाँ अगर इस शरीर के दो बराबर भाग बांटी जाए, अगर इस शरीर को ऐसे दो भागों में बांट दें ऊपर से, तो ये जो भाग सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से जो राइट की ओर होगा, राइट की ओर होगा उसे हम राइट साइड कहेंगे, और जो सेंटर से लेफ्ट की ओर होगा उसे हम लेफ्ट साइड कहेंगे। ये कहना है, बट सेंटर को चीजें टच कर रही, कई बार हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कि हृदय हमारा यहाँ है, यहाँ कोई हृदय नहीं, हृदय यहाँ है, लेकिन ये सेंटर से टच करता हुआ है, लेकिन इसका ज्यादा भाग राइट साइड की, लेफ्ट साइड की ओर होने के कारण हम कहते हैं हृदय हमारे लेफ्ट साइड की ओर होता है। आपको ध्यान देना है कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन हार्ट पे करना हो तो आप इस गढ़े वाले भाग का लेफ्ट की ओर लेकर रखिए, इसका मतलब आप अपने पूरे हृदय को आप प्रभावित करेंगे। लेफ्ट की ओर ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि राइट की ओर नहीं है, राइट की ओर भी हृदय है। 2/3 जो है वो लेफ्ट की ओर है, ज्यादा हिस्सा लेफ्ट की ओर है, 1/3, 2/3 और 1/3 बचता है लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, इसलिए हृदय हमारा यहाँ। अभी मैं आपको इसको शेयर करता हूँ, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको इसको, आप इस पिक्चर को देखें और फिर हम इससे आगे आपको बताएंगे। ये देखिए, ये आपका रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, जो बिल्कुल सीधी देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी और उसके साथ जुड़ी ये पसलियां हैं। रीढ़ की हड्डी में टोटल जो वर्टिब्राज होते हैं जुड़े हुए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सिर से यहां से लेकर नीचे तक, ऊपर से 7 जो वर्टिब्राज होते हैं, 7 जोड़ होते हैं, उसको कहते हैं सर्वाइकल रीजन, ऊपर 7 अप, वो 7 सर्वाइकल रीजन के कहे जाते हैं। बीच का जो सीने का भाग आता है, जहां से पसलियां शुरू हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं, इसे पसलियां शुरू हो रही हैं, ये गर्दन का भाग इस तरफ से बनता है और ये पसलियां शुरू हो रही हैं, ये पसलियों का जो भाग है, 12 वर्टिब्राज होते हैं, इसको कहते हैं थ्रोसिक रीजन या डोर्सल रीजन। और ये अगर आपने तस्वीर देखी होगी, कभी आपने करवाया होगा, एक्सरे करवाया हो, चाहे आपने MRI करवाया हो, तो उसमें लिखा मिल जाएगा आपको C1, सर्वाइकल रीजन को C से डिनोट करते हैं 1 to 7, और थ्रोसिक रीजन को T से डिनोट किया जा सकता है या डोर्सल रीजन आज के डेट में कहते हैं, इसलिए D1 to D12, 12 पसलियां, ठीक है, ये 12 वर्टिब्रा जो बनते हैं थ्रोसिक रीजन, डोर्सल रीजन। उसके ठीक नीचे 5 बनते हैं, वो कहलाता है लंबर रीजन, डिनोटेड बाय L1 to L5। उसके ठीक नीचे 5 बनते हैं, उसको कहते हैं सेक्रल रीजन, जिसको डिनोटेड बाय S1 to S5। एंड लास्ट के जो सबसे अंतिम में बचते हैं 4, वो 4 आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक टेल बोन का निर्माण करता है, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, उसको कहते हैं कॉकिक्स रीजन। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जिन लोगों को गर्दन में दर्द होता है, इसका मतलब उनका सर्वाइकल रीजन प्रभावित हो गया है। इस तस्वीर में आप देखें, इसमें सर्वाइकल रीजन आपको दिखाया जा रहा है, इसमें ये वाली भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाले भाग, ये सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्राज हैं। एक वर्टिब्राज और दूसरे वर्टिब्राज के बीच एक गैप होती है, वो गैप निश्चित है, उस गैप में एक ध्यान देने की क्या बात होती है, उस गैप के बीच एक डिस्क होता है, जो डिस्क कार्टिलेज के होते हैं। कार्टिलेज वो हड्डी कही जाती है जो लचकदार होती है, जैसे कान को आप देखें लचकती हैं, नाक को आप देखें लचकती हैं, वैसे ही रीढ़ के हड्डी के हर वर्टिब्राज के बीच में एक कार्टिलेज के डिस्क दिए गए हैं। इसलिए डिस्क दिए गए हैं कि जब हम उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो शरीर को कोई नुकसान ना हो। आप देखे होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि गाड़ियां आपके पास होती है, गाड़ियों को अगर आप देखते हो तो क्या देखते हैं, गाड़ियों गाड़ियों में सॉकर्स लगाए होते हैं। सॉकर्स क्या करता है, जो शॉक होता है, जो शॉक होता है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि ना गाड़ी को नुकसान हो ना गाड़ी में बैठे हुए सवार को नुकसान। वही स्थिति नेचर ने हमारी स्पाइन के भीतर लगा रखी है, ताकि जब हम उछले, कूदे, दौड़े, तो ये फ्लेक्सिबल होने के कारण वो नीचे की ओर दबकर बॉडी को संतुलन में ले लेता। ये गर्दन में अगर हम बार बार आगे झुककर, जो आप लोगों का काम खास तौर पे है, आगे झुकने का काम, गर्दन को हम आगे झुका के रखते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर के काम करते हैं, लिखने का काम हमारे पास अगर ज्यादा होता है, अगर हम लंबे समय तक गर्दन को नीचे की ओर झुकाए रखें ऐसे,
तो धीरे धीरे ये पोस्चर बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें स्ट्रेट रहना है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे झुका कर हम रखते हैं। तो इस वर्टिब्राज जो आप देख रहे हो, दो वर्टिब्राज के बीच अगर आगे झुका रहेगा तो आगे वाला भाग के बीच का स्पेस कम हो जाएगा, पीछे वाले भाग का स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आगे स्पेस कम होने से उसके अंदर से नर्व निकलते हैं पैर में। जब हम नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि उसमें नर्व्स निकल रहे हैं। हर वर्टिब्रा से पैर में नर्व निकलता है, और जब बार बार झुके रहने से वो नर्व के ऊपर दबाव आने लगता है, और जब नर्व के ऊपर दबाव आएगा तो नर्व जिस भाग को एनर्जी फ्लो कर रही है उस भाग में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा। इसलिए जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जरा भी वो आगे गर्दन झुकाएंगे उन्हें चक्कर आने लगेगा, अचानक से दिल घूम जाएगा, चक्कर हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नर्व्स के ऊपर दबाव आती है। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या क्यों हो गई, आगे झुकने से। हमें क्या करना चाहिए, हमें बैक बेंडिंग करना चाहिए, यानी नेक को पीछे की ओर लेना। जो आपको पंकज जी एक्सरसाइज करवा रहे हैं गर्दन की, वो बैक बेंडिंग करवा रहे हैं, और कहते हैं कि जिनको सर्वाइकल वो नीचे ना लाए, चाहे तो कोई भी ना लाए, क्योंकि नीचे तो हम दिन भर करते ही रहते हैं, बट बैक बेंडिंग हम नहीं करते। इसलिए हमेशा ध्यान देने की जरूरत यह है कि हम बैक बेंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बैक बेंडिंग इज इम्पोर्टेंट। इसलिए इस सर्वाइकल जब बार बार इसे पीछे की ओर लाते हैं तो जो एक गैप कम हो गई थी आगे से, पीछे से बड़ी हुई थी, वो तो धीरे धीरे बार बार जब आप करते हो बैक की ओर तो वो गैप धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाता है, और जो दबाव बन रहा था नर्व पर, वो नर्व पर दबाव खत्म हो जाता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं दूर हो जाती है। यही स्थिति अगर कमर के लिए लें, लंबर रीजन के, थोरॉसिक के नीचे चले जाए लंबर रीजन में, तो लंबर रीजन में बैक एक कारण भी यही है कि आगे झुकने का कम हमारा ज्यादा होता है, वेट ज्यादा उठाते हैं, जर्क ज्यादा हो जाए तो गैप उसके बीच जैसे ही आगे से कम होगी कमर में दर्द हो जाएगा। और कई बार दर्द साइटिका के संबंध में भी कई बार प्रश्न किया जाता है, वो नर्व जब दबने लगता है तो उसका प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि उसकी नाड़ियां पैरों में जा रही है, इसलिए पैरों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, साइटिका की प्रॉब्लम। इसलिए उनके लिए भी बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज करनी है ताकि उसका दबाव को घटा सके। और स्लीप डिस्क एक तीसरी होती है कि जब जर्क करते हैं और दो वर्टिब्राज के बीच जो गैप है और एक डिस्क है, अगर वो डिसलोकेट हो जाए, डिसलोकेट कोई बहुत लंबा नहीं होगा, जरा सा खिसक जाएगा, तो नाड़ियों पे दबाव देने लगता है जिससे आपकी समस्याएं पैदा होती है, इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। इसमें बड़े केयर के साथ ध्यान देना पड़ता है, और अगर केयर जरा भी गड़बड़ हो, आपने बहुत किया ठीक कर दिया और अचानक से केयर में गड़बड़ी थोड़ी सी हो गई तो देखेंगे फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तुरंत से हो जाती है। इसलिए क्योंकि ये कोर मसल्स जो है, हमारे जो बैक मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, वो कमजोर हो गया है, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो कोर मसल्स आपके धीरे धीरे स्ट्रेंथन में आएगा, और जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप अपने आप को बैकएक से मुक्त कर सकते हैं। तो गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बैकएक के पीछे कारण है। आगे हम देखें इस तस्वीर को, ये देख लीजिए पसलियों के बीच में आपको हृदय दिखाया जा रहा है। हृदय का स्थान गढ़े वाला भाग है, जो मैंने आपसे खास आग्रह किया है, गढ़े वाले भाग पर आप विशेष ध्यान दें। तस्वीर को देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, हृदय की बात आएगी। अब आपको हम दिखाते हैं, ये दोनों देख रहे हैं, इसमें वेन्स हैं और आर्टरीज है, जो दिख रहा है वो आर्टरीज है, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो वेन्स है हमारे। तो ध्यान दीजिए, हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो आर्टरीज के वेन्स की चर्चाएं काफी करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि शुद्ध रक्त क्या है, शुद्ध रक्त क्या है, ये आर्टरीज और वेन्स की दिखा रहे हैं। अब आपको मेन तस्वीर ये देखनी है, इसमें आप देखें तो आपको जो दिखाया जा रहा है सामने पसलियों के ठीक नीचे जो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ये फेफड़े। अब गौर कीजिए इस तस्वीर पर, इस तस्वीर में ध्यान दीजिए कि लेफ्ट वाला फेफड़ा थोड़ा सा कर्व होकर लंबा हो गया है, उसी के ठीक नीचे हृदय दिख रहा है, और राइट वाला फेफड़े की चौड़ाई ज्यादा है, तो ये फेफड़ा ठीक पसलियों को खोलने के बाद ये फेफड़े दोनों होंगे, और लेफ्ट वाले फेफड़े के नीचे हमारा हृदय होगा। यहाँ पर एक मसल्स होती है जो डिवाइड करती है, आप इस तस्वीर में ध्यान दे रहे होंगे, ये ध्यान से देखिए, जब आप देखेंगे ये ऐसे देखिए, ये वाला हृदय हो गया, अब ये वाला जो मसल्स यहाँ पर है जहाँ लंग्स खत्म हो रहा है, एक मसल्स होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, तनुपट कहते हैं, इस तस्वीर में नहीं दिख रही है, बट एक मेम्ब्रेन होती है जो डिवाइड करता है फेफड़े को और नीचे के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को, ये डायफ्राम कहलाता है। और डायफ्राम के ठीक नीचे ये जो पसलियां देख रहे हैं, राइट साइड की ओर देखिए ज्यादा, अगर बीच सेंटर से करेंगे तो राइट साइड की ओर ज्यादा वो जो आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है वो आप देखें, उसको कहते हैं लीवर, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.4 केजी का होता है लीवर,
ये लीवर होता है जिसमें इसका कुछ भाग हमारी पसलियों के अंदर होता है और कुछ भाग पसलियों से ज्यादा भाग पसलियों से बाहर होता है, ये राइट साइड की ओर, बट सेंटर की ओर है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट की ओर नहीं है, लेफ्ट की ओर भी तो थोड़ा है लेकिन ज्यादा राइट की ओर है, इसलिए हम इसे राइट साइड कहें। लेकिन इसी के ठीक साथ दूसरी साइड में देखें तो आप देखेंगे थैलानुमा है, उसको हम कहते हैं स्टमक, स्टमक उसे कहते हैं। तो ये है इसकी दूसरी साइड में स्टमक, और लीवर के साथ ही छोटी सी नीली सी आप देखिए जुड़ी हुई है नीचे, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, जो स्टोन होता है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिलीज करवा देते हैं, वो गॉल ब्लैडर आप उसमें देख रहे हैं। ये मोटी वाली नली इधर से आप देखिए यहां से चलेगी, ये ऐसे शरीर के पैरेलल जाएगी और यहां से नीचे होकर एनस से बाहर आएगी। इस मोटी वाली नली को कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और बीच नाभि और इसके बीच जो कुछ भी है उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन आप स्टमक से जुड़ा हुआ आप देखिए छोटी सी नली रही है, दिस इज कॉल्ड डियोडिनम, और उसी के साथ जुड़ी होती है पैनक्रियाज। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा इसके बाद, इसको अभी आप देख लें, बाकी हम मैं दिखाऊंगा एक और जिसमें आपको ये पैनक्रियाज लीवर थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाने का प्रयास करूँ। एक ये देख लीजिए पीछे जो पसलियां आप देख रहे हो, लास्ट पसली जो हो रही है 12वीं पसली लंबर रीजन का 1, 2 और 3, वहां पे किडनी का स्थान है। ये जो दो देख रहे हैं किडनी जिसके ऊपर पीली टोपी पहन रखी है, वो आप देखिए बैक साइड की ओर किडनी स्पाइन के दोनों साइड में होता है और वो टोपी पहन रखी है, उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का है, जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे। तो दो पीछे किडनी है। एक चीज और आप इस तस्वीर में देखें, ये देखिए ये है स्प्लीन, स्टमक जो मैं दिखा रहा था यहाँ पर कहां लेफ्ट साइड की ओर, स्टमक को अगर उठा दें तो ये आपको स्प्लीन दिखेगी। स्प्लीन के स्ट्रक्चर जैसे अंग्रेज का हैट होता है, पहले गोलाकार होता है उसके ऊपर उठा हुआ सा होता है, वो स्प्लीन का स्थान है ठीक स्टमक के नीचे, और इसके अंदर 1 लीटर ब्लड हमेशा स्टोर कर दिया जाता है और जब भी शरीर को जरूरत पड़ती है तो वह ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये तस्वीर आपको मैंने दिखाया। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, इसके बाद मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ जिसमें बड़ा भाग, ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट हो सके। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ऊपर से देख रहे हैं एक नली सी आ रही है और ये स्टमक है, बीच का भाग आप जो देख रहे हो ये स्टमक है, और स्टमक के साथ आप देखिए जो उजला सा दिख रहा है साइड से वो है लीवर हमारा, और जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा है दिस इज गॉल ब्लैडर। आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, और ये मोटी वाली नली जो दिख रही है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आप इस तस्वीर को थोड़ा और गौर से देखिए, इसको देख लें कि लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, जो बीच में देख रहे हैं जहां पर आप पीले रंग की देख रहे हो उसी के साथ आप इस तस्वीर को अगले भाग को देख लीजिए। ये आप गौर से देख लीजिए, जिन लोगों को डायबिटीज है बड़े ध्यान दीजिए, ये येलो कलर का जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज, और ये जो जुड़ा हुआ है नीचे देख रहे हैं जो बना हुआ है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के बीच में जो आप देख रहे हो वह भाग बनता है डियोडिनम का, पकवासय का, वही है जो पैनक्रियाज कहाँ पड़ता है, इसका ज्यादा भाग हमारे लेफ्ट साइड की ओर पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड की ओर पैनक्रियाज होता है, और हम आगे जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि डायबिटीज क्या होता है। ये है पैनक्रियाज, वो है गॉल ब्लैडर, ये आप देख रहे हैं ये है लीवर, ये लीवर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके देख लीजिए पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो देख रहे हैं मोटी वाली ये है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और सबसे नीचे जो लार्ज इंटेस्टाइन के आप गौर कीजिए, आप अपने राइट साइड की ओर देखिए एक पूंछ सी लटकी हुई है, इसमें वो पूंछ जो है दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स, आप लोगों ने सुना होगा अपेंडिक्स की समस्याएं, और ये अपेंडिक्स है, इधर से जाने वाला असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन होते हुए एनस से मल बाहर आता है, वो हम सिस्टम में चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से हमने आपको बताने का यह प्रयास किया है कि अब आपको आपके अंगों के बारे में जानकारी हो गई है। एक बार रिपीट कर देते हैं उसके बाद हम यही क्लास को समाप्त करेंगे, रिपीट फिर से कर देते हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये सामने का भाग, ये पसलियां हैं 12, इसके साथ जुड़ी हुई स्टर्नम है, अगर इस स्टर्नम को खोल दी जाए तो इसके नीचे हमें मिलेंगे फेफड़े, इसके नीचे हमें सीधे मिलेंगे दो फेफड़े, राइट साइड वाला फेफड़ा थोड़ी चौड़ाई में ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला थोड़ा लंबाई में ज्यादा होगा। अगर लेफ्ट वाले फेफड़े को ऊपर उठाकर देखी जाए तो उसके नीचे हमें मिलेगा हृदय, हार्ट, उसके नीचे अगर देखिए नीचे एक मसल से यहाँ मिलेगी जिसको कहते हैं डायफ्राम, इसके राइट साइड में पसलियों के नीचे अगर देखें तो ये मिलेगा हमें लीवर,
लीवर के साथ जुड़ी हुई होगी गॉल ब्लैडर, जो अभी हम ग्रीन कलर की दिखा रहे थे, इसी के साथ गॉल ब्लैडर लेफ्ट साइड की ओर ही होता, राइट साइड की ओर होता है। दूसरी तरफ अगर देखें, इसके दूसरी साइड में आ जाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर का वाला भाग, ये आप और देखिए, ये हमें हमें देखिए यहाँ वाला भाग, ये स्टमक का है। ये स्टमक के साथ जुड़े हुए हैं डियोडिनम, नाभि के सब ऊपर है, डियोडिनम जुड़ा हुआ है, डियोडिनम से जुड़ा हुआ है हमारी पैनक्रियाज। अगर इस स्टमक को ऊपर उठाकर उसके नीचे देखी जाए तो स्प्लिन मिल जाएगा, तो वो है हमारा स्प्लिन। इधर साइड से मोटी नली होकर ऊपर से होकर नीचे जाएगी, वो हमारी है। यहाँ से चलेगी, ऐसे चलेगी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और नाभि और उसके बीच का पूरा भाग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का। पीछे चले जाइए रीढ़ की हड्डी की इन पसलियों के ठीक नीचे आ जाइए, लास्ट पसली 12वीं लंबर रीजन का 1, 2 और 3, उसके नीचे हमारी दोनों किडनी है, उसके ऊपर हमारी एक ग्लैंड है जिस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो ये आपको स्ट्रक्चर हमने बताने का इसलिए प्रयास किया ताकि आप इसे समझ सके, और जो जो ध्यान रखेंगे तो जब जिनमें समस्याएं हो, अगर पर्टिकुलर उस पर आप फोकस होंगे, वह एनर्जी फ्लो उस तरफ जैसे होने लगेगी, हीलिंग प्रोसेस पास होगा और आप देखेंगे धीरे धीरे। तो मैं इसके साथ बात, क्योंकि समय काफी हो गया है, कुछ और बातें भी, बातें बहुत सारी हैं करने की जो आगे आने वाले वक्त में हम करेंगे, इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। 5 मिनट तो वैसे भी लेट हो गए, विराम करता हूँ। अगर कुछ समझने में तकलीफ हो, कोई ऐसी चीजें हो जो जानकारी में नहीं हो, तो वो आप पूछ सकते हैं अभी, और नहीं तो फिर